शैतान रजीम बिस्म रिम अलैक्म। दोस्तों लीजिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला मैगी, जिसके लिए मुझे चाहिए एक आधा टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा कोथिमीर पुदीना गार्निशिंग के लिए, थोड़े से बटर लिए जो जिसको मैंने गर्म पानी में उबाल लिया है, जिस तरीके से नरम हो चुके हैं मेरे, और तो एक अदद प्याज, आधी प्याज ली छोटी अदद, और ये कैप्सिकम है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। ये मैगी है, इसे बटर लिया है और थोड़ा सा मैगी मसाला है, चाट मसाला है। आइए अब हम बनाना चाहिए। मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें ये साबित मैगी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लंबी लंबी मैगी पसंद है, इसीलिए मैं लंबी साबित मैगी डाल रही हूँ। इसको गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए 80% पकाऊंगी, बाकी का मैं इसे वैसे ही रखूंगी, ताकि हमारा मैगी मसाले में मिक्स होने होते वक्त पूरी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा मैगी अब बिल्कुल पक चुका है। थोड़ा सा सख्त है, लेकिन इसे मैगी मसाले में डालकर पकाऊंगी तो ये पूरी तरीके से पक जाएगा। इसे अब मैं इसे बाजू रखकर मैगी बनाई। दोस्तों मैं बटर डाली हूँ, मेरे पास नमकीन बटर है, इसे मैं डाल रही हूँ, ताकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मैगी में। और अब इसे मैं पिघलने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें ये सारे मसाले डालूंगी। देखिए दोस्तों, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और प्याज को अच्छे से भूनूंगी। इसके बाद मैं इसमें हाई फ्लेम पे बना रही हूँ ये, इसको हाई फ्लेम पे बनाया जा सकता है। अभी मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। और अब ये कैप्सिकम और ये बटर, सबको भून देंगे। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। और इसमें इन सबको अच्छे से 15 से 20 सेकंड अच्छे भूनूंगी, टमाटर को अच्छा भूनूंगी। और इसमें मैं ये जो सूखे मसाले बताई ये डाल रही हूँ, मैगी मसाला है, साथ में चाट मसाला है, और ये सबको अच्छे से भूनूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल नहीं रही, सब वेजिटेबल्स ही हैं। इनको अच्छे से भूनिए ताकि ये मज़ा आ जाए, इन सब का मज़ा, हरियाणा मज़ा चले जाए और सुपर टेस्ट आ जाए। बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये पानी पक जाए, सारा मसाला इसमें पानी में पके तो टेस्ट भी अच्छे से आ जाए। और मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है गैस को, बिल्कुल थोड़ी देर में और थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाए तब मैं इसमें मैगी डालूंगी, और इसको मिक्स होने में बराबर पानी भी सही होगा। तो मैंने अच्छे से पानी को सुखा लिया है मैगी में, और ये हमारी मैगी भी अच्छे से पक चुकी है। आप देखिए, इतने थोड़े पानी में इसको मिक्स कर लेंगे तो ये भी अच्छे से पक जाएगी, दम पे आ जाएगा तो ये भी मिक्स होके अच्छे से पक जाएगी। हमारा मसाला मैगी बिल्कुल तैयार है। लीजिए, सिंपल तरीके से मैंने बताया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए, कमेंट करके बताइए कि हमारी मैगी आपको कैसे लगी, और बनाने में सिंपल है, बच्चों को लजीज लगेगी, बनाइए आसानी से। इंशाल्लाह थोड़े सा मसाला मैगी बिल्कुल